हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 से 15 महीने के बच्चे के खिलौनों के बारे में। इवान अब 15 महीने का हो जाएगा दो दिन बाद, और मैंने उसके लिए क्या क्या टॉयज इंट्रोड्यूस किए इस वीडियो में मैं अपना यही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस की थी उसके बर्थडे पे एक कार जो मैनुअल पुश राइड है और बेबी हक की, उसका मैंने रिव्यू भी किया है, आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जो है वो वीडियो अवेलेबल है। तो कार जो है बच्चे को बहुत पसंद आती है, पहला खिलौना मैं मानती हूँ कि हर बच्चे का वो कार ही होती है, उसको भी काफी पसंद है, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता, अपने हिसाब से चलता है। तो आप कार जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चा एक साल का काफी चीजें समझने लग जाता है, 12 से 15 महीने के बच्चे को काफी काफी अकल आ जाती है, तो उससे उसे पता चलेगा कि कार जो है किस तरीके से चलानी है और वो काफी काफी खुश होगा। उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया था एक स्टैकिंग टॉय गीगल्स का, उसमें तीन टाइप के स्टैक थे, उसका रिव्यू मैंने अभी तक नहीं किया है पर वो जल्दी चैनल पे आएगा। स्टैकिंग टॉयज बच्चे के एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका माइंड चलने लगता है, उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक करना है, तो उसको भी वो काफी पसंद है और वो काफी खेलता है उस वाले खिलौने से। उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया एक सॉफ्ट टॉय मैंने 9 to 12 मंथ्स में भी एक इंट्रोड्यूस किया था जो था एक मिनियन। उसके बाद अभी मैंने टैडी किया, टैडी भी उसको काफी पसंद है, कई बार मैंने उसे देखा है उसे पानी पिला रहा होता है वो अपने सिपर से, मतलब उसको काफी अच्छा लगता है उसके साथ भी खेलना। उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया एक फ्रूट कटिंग सेट मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा फ्रूट कटिंग सेट का। वो नाइफ को लेता है, फ्रूट्स को काटता है, काफी काफी देर तक उसके साथ एंगेज रहता है, उसे फ्रूट्स के नेम पता चल गए हैं और नाइफ भी वो मुझसे खुद ही मांग लेता है, अगर मैं उसको फ्रूट दूंगी तो वो कहेगा मम्मा प्लीज गिव मी नाइफ, मतलब पूरी लाइन नहीं बोलता, ही विल से नाइफ, तो मुझे समझ आ जाता है कि इसको नाइफ चाहिए। तो फ्रूट कटिंग सेट जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है 12 से 15 महीने के बच्चे के खिलौनों के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद मैंने उसको दिया था एक बॉलिंग सेट का रिव्यू भी मैं कर चुकी हूँ, चैनल पे अवेलेबल है, उसमें आगे पिंस रखी होती हैं, बच्चा बॉल थ्रो करता है, पिंस गिरती हैं, बच्चा बहुत बहुत खुश होता है, आप भी इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने की थी एक बुक, जंपो बुक ली थी मैंने एक ABC की, इतनी काफी बड़ी साइज की बुक है, अभी आपको पिक्चर में दिख जाएगा, और उस बुक में बड़े बड़े पिक्चर्स जो है वो कैट की, डॉग की, डी फॉर डॉग है तो डॉग की बड़ी पिक्चर है, तो इवान उसको देख के बहुत खुश होता है, रात को मैं आधा घंटा तो उसको वो रीड कराती हूँ, उसे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस की थी एक ट्रेन जो है वो 3D लाइट वाली है, उसमें साउंड आता है, वो मूव करती है, तो इवान को वो भी बहुत अच्छी लगी, काफी खेलता है अब तो, उसने खैर उसको तोड़ भी दिया फेंक के, उसकी प्लास्टिक मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, थोड़ी लो क्वालिटी की प्लास्टिक थी और काफी महंगा भी खिलौना था वो, लेकिन अगर मैं आपको लिंक दे दूंगी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद आए तो ना खरीदे, नहीं तो एक बार नजर डाल सकते हैं। तो ये चीजें थी जो मैंने अपने बेटे को 12 से 15 महीने में ये खिलौने उसके लिए इंट्रोड्यूस किए, जिससे बहुत बहुत इंजॉय करता है, जिससे वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की चॉइस अलग होती है, आप अपने हिसाब से भी कुछ टॉयज ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मेरा एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।